क्यूब ले लो ड्रिफ्ट 3M, अ बजट मैग्नेटिक क्यूब फ्रॉम क्यूब ले लो। दोस्तों मैं हूं प्रियांशु, वेल्कम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो इस बॉक्स में क्यूब ले लो ने भेजा है रिव्यू के लिए ये क्यूब, तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा क्यूब परफॉर्म करता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो फिर चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है आई गेस एक क्यूब स्टैंड। पहले ये इसी तरीके से आता था बट अब ये बॉक्स में आने लगा है। तो किस कलर का है? तो ये एक है ग्रीन कलर का क्यूब स्टैंड। ओके, तो इसको रखते हैं साइड में एंड देखते हैं। ये रहा हमारा बॉक्स, क्यूब लेलो ड्रिफ्ट 3M लिखा है इस तरफ। एंड ये है क्यूब लेलो का क्यूब केयर कार्ड। क्यूब लेलो से कुछ भी खरीद रहे हो तो आप मेरा कूपन कोड रूबिक गुरु यूज कर सकते हो ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो बॉक्स पे देखो तो लाइक काफी क्रिएटिव बॉक्स है, काफी सारी चीजें इस तरफ यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये खुल गया बॉक्स एंड ये है एसेसरीज बॉक्स एंड ये रहा हमारा क्यूब। एंड साथ ही साथ एक और क्यूब स्टैंड यहाँ पे हमें मिला है, येलो कलर का ये क्यूब स्टैंड है। तो एक ही बॉक्स में काइंड ऑफ हमें दो दो क्यूब स्टैंड मिल चुके हैं अब तक। तो ये रहा हमारा क्यूब, काफी ब्राइट कलर्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो रेड कलर का क्यूब लेलो का लोगो लग रखा है। एंड साथ ही साथ ये है एसेसरीज बॉक्स, तो देखते हैं कि एसेसरीज बॉक्स में क्या है। तो ये है एक क्यूब पाउच, तो काइंड ऑफ मिला के हमें इस बॉक्स में तीन तीन फ्रीबीज मिल गई हैं, दो स्टैंड्स एंड एक क्यूब पाउच। तो आप अपने क्यूब को इस तरीके से इस क्यूब पाउच में रख सकते हो। रेड कलर काफी बेहतर लग रहा है बट फिर भी मेरा फेवरेट कलर अभी भी ब्लैक वाला ही रहेगा। तो अब देख लेते हैं क्यूब को, लेट्स हैव फ्यू फर्स्ट टर्न्स। काफी बेहतर फील हो रहा है, काफी लाइक बढ़िया फीलिंग आ रही है इस क्यूब से। थोड़ा सा टाइट है बट उसको मैं बाद में लूज कर लूंगा। एंड काफी लाइक स्मूथ, काफी फास्ट फील हो रहा है अभी ये आउट ऑफ द बॉक्स। तो इस क्यूब की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका डायमेंशन 55 मिलीमीटर है एंड इसका वेट 73 ग्राम्स का है। इसमें टोटल 48 मैग्नेट्स इंस्टॉल करी गई है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। एंड कॉर्नर कटिंग पे नजर डाले तो फॉरवर्ड कॉर्नर कटिंग 30 डिग्री, काफी बढ़िया है, काफी फोर्टलेस यहाँ पे 30 डिग्री कट हो रहा है। एंड बट 45 पे अटक रहा है, काफी फोर्सफुल है 45 डिग्री पे, बट 30 डिग्री से 35 डिग्री तक ये काफी इजिली कट हो रहा है। एंड रिवर्स की देखे तो लाइन टू लाइन से पहले काफी बेहतर है एंड अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ये अटक रहा है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इस मैग्नेटिक ड्रिफ्ट का बेस क्यूब मेलोंग 3C है जिसे हैंड मैग्नेटाइज एंड प्रॉपर ल्यूब्रिकेट करके क्यूब लेलो ने सेटअप किया है। वही क्यूब लेलो का नॉन मैग्नेटिक ड्रिफ्ट का बेस क्यूब ची वॉरियर था जो कि उतना अच्छा नहीं था एंड इसलिए मैं सभी बिगनर्स को मेलोंग 3C ही रिकमेंड करता था। एंड अब जब इसी मेलोंग 3C को मैग्नेटाइज किया गया है, काफी अच्छा सेटअप किया गया है, तो ये काफी बेहतर फील हो रहा है। ओके, तो काफी मॉडरेट मैग्नेट्स इंस्टॉल करी गई हैं एंड आई डोंट थिंक कि आपको एक्स्ट्रा मैग्नेट्स ऐड करने की जरूरत पड़ेगी इस क्यूब में। एंड एच पीस में दिखाऊं तो ये आपको दिख जाएंगे मैग्नेट्स यहाँ पे, काफी छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं। एंड कॉर्नर पीसेस में आपको दिख जाएंगे यहाँ पे तीन मैग्नेट्स इंस्टॉल करी गई हैं। तो यही रहेगी लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इस क्यूब लेलो ड्रिफ्ट 3M क्यूब पे। अब बात कर लेते हैं इसकी रिव्यू एंड फाइनल थॉट्स की। तो मैंने इस क्यूब पे काफी सारे सॉल्व किए, मुझे काफी डिसेंट एंड काफी एवरेज सॉल्व मिले इस क्यूब पे। डेफिनेटली 499 रुपीज के लिए आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा एक बजट मैग्नेटिक क्यूब के लिए। एंड वही फैक्ट्री सेटअप मेलोंग 3M आपको 539 रुपीज का मिलता है। तो ड्रिफ्ट 3M सस्ता होने के साथ साथ आपको इसमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी मिल जाती है, सेटअप वगैरह मिल जाता है इस क्यूब में, तो ये एक प्लस फैक्टर होगा आपके लिए। तो इसे आप थोड़ा सा लूज कर सकते हो जिससे आपको इसमें काफी बेहतर कॉर्नर कटिंग मिल जाएगी एंड थोड़ा सा फास्ट फील होगा ये क्यूब। तो सेंटर का आपको हटा के यहाँ पे आपको स्क्रूज दिख जाएंगे सभी साइड्स पे जिसको आप स्क्रू ड्राइवर से हल्का सा लूज कर सकते हो, हल्का सा ही लूज करेंगे ताकि क्यूब जो है वो स्टेबल भी रहे एंड पॉप आउट भी ना हो। तो ये क्यूब उतना नॉइजी भी नहीं है, तो एक बार फटाफट साउंड कंपेरिजन कर लेते हैं। तो यह है क्यूब लेलो ड्रिफ्ट 3M की आवाज। एंड ये है RS3M 2020 की आवाज। एंड ये है नॉन मैग्नेटिक मेलोंग 3C की आवाज। एंड ये है नॉन मैग्नेटिक ड्रिफ्ट की आवाज। सो डेफिनेटली ये क्यूब उतना नॉइजी भी नहीं है, RS3M के बाद इसको रखेंगे हम लोग, सबसे ज्यादा नॉइज जो है वो ची वॉरियर ड्रिफ्ट क्यूब से ही आ रही है। तो जैसे मैंने दिखाया कि ये रहा इसके मैग्नेट्स, अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्नेट्स ऐड कर सकते हो बट ये तो निकल गया। ओके, तो अगर आपके मैग्नेट्स ऐसे बाहर निकल जाए तो कैसे उसको वापस से ऐड करना है वो बता देता हूँ आप लोगों को मैं। तो सबसे पहले हम उसको एडजेसेंट पीस से ऐसे अटैच करके रखेंगे एंड मैग्नेट्स को ड्रॉप कर लेंगे ताकि पोल जो है वो करेक्ट हो जाए। एंड देन उसके बाद हम सुपर ग्लू या फिर फेविक्विक वगैरह यूज करके इसको वापस यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं।
देन इसके स्टिक करने के बाद काफी केयरफुली हम लोग उसको सूखने देंगे एंड देन फिर हम लोग उसको वापस से असेंबल करके काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं. ओके सो फैक्ट्री मैग्नेटाइज क्यूब में यहाँ पे हमें ऑलरेडी मैग्नेट्स के लिए स्लॉट्स मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे RS3M2020 में देख सकते हो. एंड इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इजिली मैग्नेट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. सो अगर तो आपको एक बजट मैग्नेटिक क्यूब चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको क्यूब लेलो ड्रिफ्ट 3M रिकमेंड करूंगा. एंड ऑल्सो आप क्यूब लेलो का दूसरा सेटअप इलाइट एम भी खरीद सकते हो, जो कि अगेन आपको 499 रुपीज में मिल जाएगा मेरा कूपन कोड रूबिक गुरु यूज करने के बाद. बाकी दोनों ही आपको सेटअप लुब्रिकेट वगैरह करके ही मिलते हैं क्यूब लेलो की तरफ से. क्यूब्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड ऑल्सो थैंक्स टू क्यूब लेलो फॉर सेंडिंग दिस क्यूब फॉर रिव्यू. तो अगर आपको मेलॉन्ग 3C का रिव्यू देखना है तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर आपको एक मिड रेंज फ्लैगशिप क्यूब चाहिए तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो. मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.